हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास सिक्स इंग्लिश बुक है जिसका लेसन है सिक्स द टेस्ट, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मैंने इसके दो पार्ट और बना दिए हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट वन और पार्ट टू, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। सक्सेस स्टोरी ऑफ ए फार्मर, सक्सेस यानि सफल, स्टोरी यानि कहानी, ऑफ यानि काकी के, ए फार्मर, फार्मर यानि किसान, एक किसान की सफलता की स्टोरी। ठीक है, देखिए। देयर वाज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ठीक है, ही लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, लिव्ड याने रहना या रहता था, इन ए स्मॉल विलेज, स्मॉल याने छोटा, विलेज याने गांव में, वह एक छोटे से गांव में रहता था। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विथ द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ विलेज पंचायत। ही याने उसने या वह, उसने कंप्लीट याने पूरी की, हिज ग्रेजुएशन यानी कि उसकी स्नातक की पढ़ाई। बच्चों, जब हम 12वीं पास कर लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा बीए, बीएससी, तो ये ग्रेजुएशन कहलाती है। ठीक है, तो उसने अपनी पढ़ाई पूरी की विथ द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ विलेज पंचायत, जो गांव की पंचायत थी उसने उनकी पढ़ाई पूरे करने में उसकी आर्थिक मदद की। ठीक है, किसकी? इस पुअर मैन की, यानी गरीब आदमी की। ही हैड ए कीन इंटरेस्ट इन फार्मिंग। ठीक है, उसका इंटरेस्ट, वो किस में उत्सुक था, वो किस में इंटरेस्टेड था? फार्मिंग, फार्मिंग यानी खेती, वह खेती कृषि काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, ही कम टू नो अबाउट वेरियस स्कीम, मतलब वह जानना चाहता था कि अबाउट यानी बारे में, वेरियस यानी विभिन्न स्कीम यानी योजनाओं के बारे में वह जानना चाहता था, और किसके बारे में? फैसिलिटीज प्रोवाइड टू द स्मॉल फार्मर, यानी कि जो छोटे किसान हैं, फैसिलिटी यानी सुविधा, जो छोटे किसानों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, वह सुविधा, उनके बारे में वह जानना चाहता था। एंड इट्स डिफरेंट एजेंसी एट एंड डिफरेंट लेवल, और कुछ गवर्नमेंट भी उपलब्ध कराती हैं सरकार, और कुछ अलग तरह की जो एजेंसी होती है वो अपने लेवल पर किसानों को, छोटे किसानों को कई तरह की सुविधाएं और स्कीमें उपलब्ध कराती हैं, योजनाएं। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए फार्मर, ही यानी उसने स्टार्टेड यानी शुरू किया उसका करियर, एक किसान के रूप में उसने अपना करियर शुरू किया। ही टुक एडवांटेज ऑफ दीज स्कीम, टुक यानी लेना। ठीक है, तो उसने लेना शुरू किया एडवांटेज यानी लाभ ऑफ डीज स्कीम, उसने क्या किया, इन स्कीम जो स्कीमें थी सरकार की तरफ से, उनका लाभ लेना चालू कर दिया। एंड यूज्ड मॉडर्न टेक्निक, और उसने यूज्ड यानी उपयोग करना चालू कर दी, कौन सी? मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न यानी आधुनिक, टेक्निक यानी योजनाएं, वो टेक्निक यानी तकनीकी, सॉरी, ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की उसने जो मॉडर्न तकनीकी हैं वह उपयोग करना चालू कर दी। सच एज यूज ऑफ इम्प्रूव यानी होता है कि जैसे कि वो उन्नत, ठीक है, उन्नति करना, इम्प्रूव अपन बोलते हैं ना, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उन्नति कर रहा है, तो इम्प्रूव वेराइटी ऑफ सीड्स। ठीक है बच्चों, सीड्स यानी क्या होते हैं? बीज, मतलब कई तरह के, विविध यानी कई तरह के सीड्स, जो उन्नत सीड्स यानी बीज जो होते हैं उसका उसने यूज किया। बायोफर्टिलाइजर, जैसे कि बीजों का, और फर्टिलाइजर जैव उर्वरकों का भी उसने यूज किया। एंड वाटर सेविंग, और वाटर यानी पानी, सेविंग यानी बचाने वाली, जो सिंचाई, इरीगेशन यानी सिंचाई टेक्निक इन हिज फार्म, और उसने उसके खेत में जो पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीकी होती है उन सब का यूज उसने किया। ठीक है, या करना सीखा, जो भी हो। हिज हार्ड वर्क यानी उसका हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, सक्सीड, सफल हुआ।
सक्सीड यानी सफल हुआ, उसका हार्ड वर्क सफल हुआ, एंड ही बिकम, बिकम यानी होना, ही यानी वह, बिकम ए लार्ज स्केल प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, और वह बन गया या हुआ, क्या बन गया, लार्ज यानी बड़ा, स्केल यानी पैमाने पर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी निर्माता, वह एक बहुत बहुत बड़े पैमाने पर फूड, क्या निर्माता बन गया, फूड ग्रेन यानी कि भोजन का, अनाज का, ग्रेन यानी अन्न धान अनाज का, और किसका बन गया, केस क्रॉप, क्रॉप यानी फसल, केस यानी नकदी, क्रॉप यानी फसल, नकदी फसल, नकदी फसल किसे कहते हैं, देखो बच्चों कि जैसे कि लाइक इसमें दिया है, लाइक बनाना, कॉटन, कॉटन यानी रुई, एंड शुगर कैन, ये नकदी फसल होती है, यानी कि इनको डायरेक्ट खेत में से निकाल के डायरेक्ट बाज़ार में बेचना पड़ता है, इन्हें हम घर में नहीं रख सकते, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी, तो इसको हम नकदी फसल बोलते हैं। बाकी जैसे गेहूँ चावल हैं, ये हम घर में रख सकते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फूड प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है, कौन बन गया, ये जो किसान था, जो गरीब आदमी था, वो एक बहुत बड़ा फूड प्रोड्यूसर बन गया एक बड़े पैमाने पर, ठीक है, किसका, अनाज का, धान का, बनाना का, कॉटन का, शुगर केन यानी कि, शुगर केन यानी कि गन्ने का। नेक्स्ट है, तो ये हो जाएगा ही इज वन ऑफ द लैंडिंग, लैंडिंग यानी सॉरी लीडिंग, लीडिंग यानी कि होता है मार्गदर्शक, प्रोग्रेसिव फार्मर, प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील किसान ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, वह फिर वह एक बहुत ही मार्गदर्शक प्रगतिशील किसान बन गया, कहाँ का, उसके डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का। हिज विलेज, हिज विलेज यानी उसका गांव, इज नाउ, नाउ यानी अब, नो यानी जानना, वाय हिज नेम, अब उसका गांव उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है, अलोंग विथ हिज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही आल्सो प्रोवाइड्स असिस्टेंट एंड गाइडेंस टू अदर फार्मर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अलोंग यानी साथ में, और साथ में हिज उसका एग्रीकल्चर यानी कृषि प्रैक्टिस, और साथ में वह एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस भी करता है। ही आल्सो, और वह आल्सो यानी भी प्रोवाइड असिस्टेंट, और वह सहायता भी उपलब्ध कराता है, और गाइडेंस भी देता है ऑफ अदर फार्मर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। देखो वो एग्रीकल्चर के साथ साथ वो क्या करता है कि एग्रीकल्चर करने के साथ साथ वह अपने जो डिस्ट्रिक्ट के किसान हैं उनको सहायता देता है, असिस्टेंट यानी असिस्टेंस यानी सहायता देता है, और मार्गदर्शन, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन देता है, और दूसरे किसानों को जो कि उसके ज़िले के हैं। हिज स्टोरी, हिज सक्सेस स्टोरी यानी उसकी सफल स्टोरी प्रेजेंट एन एग्जाम्पल, उसकी एक सफल स्टोरी एक एग्जाम्पल प्रदर्शित करती है टू द एजुकेटेड यूथ यानी कि शिक्षित युवाओं के लिए, फॉर अडोप्टिंग, अडोप्टिंग यानी अपनाना चाहते हैं, फार्मिंग हैज ए प्रोफेशन, फार्मिंग यानी कि खेती, जो अपने पेशे में प्रोफेशन के लिए खेती अपनाना चाहते हैं उनके लिए इसकी स्टोरी एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है वेयर डिड द पुअर मैन लिव, पुअर मैन कहाँ रहता था, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये यहाँ पे दिया है ही लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, वह एक छोटे से गांव में रहता था। हाउ डिड ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, हाउ यानी कैसे उसने अपनी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई पूरी की, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लीजिए ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विथ द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ विलेज पंचायत, गांव के पंचायत ने उसकी आर्थिक मदद की, इससे उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। नेम ऑफ टेक्निक यानी कि टेक्निक के नाम बताना है यूज बाय द फार्मर टू ग्रो मोर क्रॉप्स, आपको इसमें कौन कौन सी टेक्निक बताई गई है उसके नाम बताना है जिससे कि किसान अपनी फसलों को उन्नत कर सकें, ग्रो कर सकें।
तो देखिए बच्चों, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यूज्ड मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर सच हैज यूज, आप पहले नंबर यहाँ से लिख लीजिए एज, जैसे यूज ऑफ इम्प्रूव वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है, पहला नंबर ये हो जाएगा। और फिर दूसरा नंबर सीड्स भी कर सकते हैं एंड बायो फर्टिलाइजर, ये भी कर लीजिए। एंड दूसरा हो जाएगा ये वाटर सेविंग एरीगेशन टेक्निक इन हिज फार्म, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो। देखो इस तरह से पहला पॉइंट आप ऐसे लिख लीजिए, यूज मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर, एक नंबर ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कर देना हैज यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कर देना वाटर सेविंग इरिगेशन टेक्निक इन हिज फार्मर, ये चार पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, कौन से वाले में, तीसरे वाले में, ठीक है। तो कौन सा आप एक बार देख लीजिए, पहला वाला ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, सीड्स तक भी कर लो चाहे, ये बायो फर्टिलाइजर भी कर सकते हो, और फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, व्हाट डज द फार्मर डू अलोंग विथ हिज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप यहाँ से कीजिएगा, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, अलोंग से लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट तक आप इसका आंसर कर लीजिएगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उतारना है, ठीक है। वाट लेसन डज द स्टोरी ऑफ द फार्मर प्रेजेंट टू द एजुकेटेड यूथ, यानी कि यह जो स्टोरी है वह फार्मर एजुकेटेड युवाओं को जो क्या शिक्षा देती है उसके ऊपर है। तो आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कर लीजिएगा, हिज सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम, लेट्स राइट, आओ लिखें, राइट 5 सेंटेंस अबाउट अर्जुन विथ हेल्प ऑफ क्लू गिवन। यहाँ पे कुछ क्लू दिए गए हैं इनके, अर्जुन के ऊपर आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। क्या दिया है, ए पांडव प्रिंस, वेरी गुड आर्चर, एल्डर यानी बड़े, यंगर यानी छोटे, सन ऑफ किसके पुत्र थे वह। तो पहला इन्होंने बना के दिया है अर्जुन वाज ए पांडव प्रिंसेस, ठीक है, अर्जुन पांडु के राजकुमार थे, ठीक है, पांडव प्रिंसेस। ही वाज वेरी गुड आर्चर, यहाँ पे हो जाएगा, और बहुत अच्छे धनुर्धारी थे। ही वाज एल्डर टू नकुल एंड सहदेव, यानी कि वह बड़े थे किससे, नकुल और सहदेव से। ही वाज यंगर यानी कि छोटे थे देन किससे, भीम एंड युधिष्ठिर, तो ये आप कर लीजिएगा। और ही वाज सन ऑफ पांडु, या भी ये भी कर सकते हो, या फिर ही वाज सन ऑफ कुंती, दोनों में से एक कर सकते हो। तो बच्चों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।